बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ फ़ायज़ा शेख एंड यू आर वॉचिंग द फ़ायज़ाज़ लर्निंग क्लास अबाउट द पाकिस्तान स्टडी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पाकिस्तान क्रोनोलॉजी पीरियड ऑफ 1972-1979। ओके, हियर आई एम गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन पीरियड ऑफ ऑल ऑफ देम। दे हैव बीन प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द पाकिस्तान। 1970 वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश वर स्टिल वन कंट्री। इलेक्शन इन 1970 गैव शेख मुजीबुर रहमान ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड हिज पार्टी अवामी लीग ऑन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। लीगली ही शुड हैव बीन प्रेजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, बट याह्या खान देन प्रेजिडेंट रिफ्यूज टू कॉल द असम्बली। शेख मुजीब वॉज अरेस्टेड फॉर ट्रीजन बट रिलीज। रिवॉर्ड्स एंड डिस्टर्बेंस रॉकेट ईस्ट पाकिस्तान 1970, दैट इज़ द पीरियड ऑफ द शेख मुजीबुर रहमान एज वेल एज द जनरल याह्या खान। डू यू नो दैट वॉज द पीरियड मच ऑफ द इम्पॉर्टेंस, बिकॉज जो वहाँ पे थे प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर जो थे याह्या खान, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कॉल टू असम्बली को, ठीक है। और शेख मुजीबुर रहमान जो थे इस पीरियड में अरेस्टेड हो गए थे फॉर ट्रीजन, बट रिलीज हो गए थे आफ्टर सम टाइम। और ये पीरियड जो था बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स था, फसाद कह लें जिसे, और डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा थी रॉक्ड ईस्ट पाकिस्तान। और पाकिस्तान जो है वो तमाम जो है क्राइसिस को उस टाइम जो सफ़र कर रहा था, जब हमारे साथ जो था वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तानी यानी बांग्लादेश भी मौजूद था, वर स्टिल वन कंट्री। ये तमाम कंट्री जो थे वो एक कंट्री थे मिलकर, जो है ना पाकिस्तान ये जो है ना और बांग्लादेश एक कंट्री था। बट यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वन। 1971 द पाकिस्तान आर्मी इंटरवेन टू रीस्टोर ऑर्डर इन द ईस्ट विंग। इंडिया बैंड फ्लाइट्स अक्रॉस इट्स बॉर्डर एंड देन इन्वेडेड एंड क्विकली डिफीटेड द पाकिस्तान आर्मी विच हैड टू ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स बाय द सी टू रीच ईस्ट पाकिस्तान। इन डिसम्बर 1971 ईस्ट पाकिस्तानी डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस एज बांग्लादेश। 1971 जो था ये पीरियड भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। इसमें पाकिस्तान आर्मी जो थी वो इंटरवेंट रीस्टोर हुई थी, उसने ऑर्डर पास किए थे इन द ईस्ट विंग के लिए। और इंडिया को इंडिया ने बैंड कर दी थी फ्लाइट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, ना आना जाने पे पाबंदी हो गई थी 1971 के अंदर। एंड देन इन्वेडेड हुआ था, हमला हुआ था एंड क्विकली डिफीटेड हुई थी पाकिस्तानी आर्मी की इसमें 1971 में। तो विच हैड टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बाय सी टू रीच ईस्ट पाकिस्तान। बहुत सारे लोग जो थे वो ट्रैवल करके मींस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उस टाइम में बाय द सी, सी के ज़रिए जो है ना ट्रैवल करके पाकिस्तान पहुँचे थे, बिकॉज जो है इंडिया ने बैन लगा दिया था फ्लाइट्स के ऊपर। बट इन डिसम्बर 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था इंडिपेंडेंस इस बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो है ना इस जो फाइट्स में अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान के जो खिलाफ थी, इसमें जो है बीच में जब पाकिस्तान की आर्मी को शिकस्त हुई, डिफ़ीट हुई, तो यहाँ पर जो है ईस्ट पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया कि बांग्लादेश जो है उसकी इंडिपेंडेंस, आज़ादी हो जाए। तो 1971 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट मतलब टाइम था जब बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस आज़ादी हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव ऑल कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम जो है वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पीरियड। नेक्स्ट पीरियड है 1971-73। प्रेसिडेंट याह्या खान रिज़ाइन ऑन 20 दिसंबर 1971 में रिज़ाइन कर दिया था। जुल्फिकार अली भुट्टो लीडर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PPP फर्स्ट बिकेम प्रेसिडेंट। अच्छा जी, जुल्फिकार अली भुट्टो जो है ना वो प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट टाइम 1971 में, एंड देन प्राइम मिनिस्टर 1973 में बन गए थे, ठीक है। पहले वो प्रेसिडेंट थे, देन जो है वो 1973 में क्या बन गए थे, प्रेसिडेंट, वो प्राइम मिनिस्टर सॉरी। ही बिगेन अ सोशलाइजेशन एंड नेशनलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया इन्होंने। द गवर्नमेंट टुक ओवर बेसिक इंडस्ट्रीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज टुक ओवर कर लिए, अपने अंडर कर लिए एंड स्कूल्स को।
ही मेड स्मॉल एंड रिफॉर्म्स बेनिफिटिंग मिडिल क्लास फार्मर्स को, उन्होंने बेनिफिट दिए मिडिल क्लास फार्मर्स जो थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया आइन बना, वाज पास्ड हुआ दैट स्टॉप द आर्मी फ्रॉम हैविंग अ से इन द गवर्नमेंट। ठीक है, द न्यू प्रेजिडेंट फजल एलाई चौधरी वाज लिटिल मोर देन अ सर्मोनियल फिगर थी इसमें, मीन्स वो थोड़े मतलब टाइम के लिए, एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो है वो आए थे एक सर्मनी में, जिस तरह इंसान एंटर होता है दैन अटेंड करता है एंड चला जाता है। तो फजल एलाई चौधरी को हम भूल नहीं सकते, वो एक सर्मोनियल फिगर थी इन दिस टाइम में 1971 to 1973 में। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है ओवरटेकिंग ऑल द जो है लिया था, तमाम चीज़ों पे जो है जोर पकड़ लिया था, ओवरटेकिंग हो गई थी। देन जो है वो पहले जो है क्या बने थे, प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर बने थे, और सोशलाइजेशंस में और नेशनलाइजेशंस के थ्रू प्रोसेस के थ्रू उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और गवर्नमेंट को टू कवर कर लिया था, जिसमें इंडस्ट्रीज़, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी ETC आ जाता। नेक्स्ट है 1977, भुट्टो रिफॉर्म्स अपसेट मेनी पीपल्स, नेशनलाइजेशन एंड लैंड रिफॉर्म अपसेट द रिच, सोशलिज्म अपसेट इस्लामिक लीडर्स। भुट्टो के रिफॉर्म्स पे एक इंकलाब के बाद जो था ना, तो बहुत सारे लोग अपसेट भी हो गए थे। नेशनलिज्म एंड लैंड रिफॉर्म्स अपसेट थी, रिच सोशलिज्म अपसेट था, इस्लामिक लीडर्स अपसेट थे, देयर वाज अपोजिशन, मच अनरेस्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मच अनरेस्ट थी एंड रियोटिंग था एज द गवर्नमेंट पीरियड एंड बिकेम मोर ऑपरेसिव था, जुल्म हो रहा था। इलेक्शन इन 1977 में हुए, हाउएवर गेव भुट्टो अ क्लियर मेजॉरिटी, बट ही वाज एक्यूज्ड रिगिंग दैम, एक उसके ऊपर इल्ज़ाम आ गया रिगिंग दैम का। द आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक सीज्ड पावर इन जुलाई एंड सेट अप अनदर मिलिट्री गवर्नमेंट, बट वाज अरेस्टेड, कन्विक्टेड एंड द सेंटेंस टू द डेथ फॉर द पॉलिटिकल मर्डर। 1977 में जब लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए इसके नेशनलिज्म और सोशलिज्म बिहेवियर से, भुट्टो के मींस कि हर जो है मतलब आप कह लें कि हर प्लेटफॉर्म पे जो है रियोटिंग थी, डिस्टरबेंस थी, तो चीफ जर्नल जो थे हमारे मोहम्मद जियाउल हक ने क्या किया, सीज्ड पावर, पावर अपने कब्जे में ली एंड सेंटेंस्ड और सज़ा दी भुट्टो को, और अरेस्ट कर लिया एंड कन्विक्टेड करके उसे जो है डेथ तक पहुंचा दिया है कि वो फॉर पॉलिटिकल मर्डर था ये जो उसको बंद करके दिया गया। तो ये जो पीरियड था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 1977 का पीरियड, बिकॉज यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स अक्सर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं डेट्स को, तो वो रिमाइंड कर लें वंस अगेन। नाउ 1978 to 1979, जनरल जियाउल हक बिकेम प्रेसिडेंट एंड इम्पोज्ड शरिया लॉ इन द कंट्री, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड सेवरल पेनाल्टीज इम्पोज फॉर एनी ऑफेंस अगेंस्ट इस्लाम, ही होप टू विन द सपोर्ट ऑफ द रिलीजियस पार्टीज। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, जनरल जियाउल हक बिकेम प्रेसिडेंट बन गए और इन्होंने इम्पोज कर दिया एक शरिया लॉ को इन द कंट्री के अंदर। 1979 में इन अप्रैल जुल्फिकार अली भुट्टो डेथ सेंटेंस वाज कैरीड आउट इन लेट 1979, रशिया इन्वेडेड अफगानिस्तान, रशिया ने इन्वेड हमला कर दिया अफगानिस्तान में, मिलियंस ऑफ अफगान रिफ्यूज्ड, फ्लेड, ह्यूज सम्स इन एड फ्रॉम द USA टू सपोर्ट अफगानिस्तान अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स इशूज इन द जनरल जियाउल हक की गवर्नमेंट एंड ड्रॉप दियर द डिमांड फॉर द डेमोक्रेसी। The charges or changes brought up the Zia policies were not popular among the people who protested and were suppressed. He also came under the criticism from international leaders. तो जुल्फिकार अली भुट्टो को डेथ हुई वाज कैरीड आउट हुई थी 1979 में, और रशिया ने जो इन्वेडेड किया था अफगानिस्तान के ऊपर, मिलियन अफगान जो थे ना रिफ्यूजीज वो फ्लड भाग गए थे टू पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, रिजल्ट क्या था, क्राइसिस फॉर द होस्ट कंट्री, और जिया ने एक्सेप्टेड किया था ह्यूज सम्स ऑफ एड फ्रॉम USA सपोर्ट अफगानिस्तान अगेंस्ट रशिया। तो ये तमाम पीरियड जो थे जो मैंने आज डिस्कस की अपनी क्लास के अंदर, तो ये तमाम जो क्रोनोलॉजी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट नेक्स्ट क्लास में जो है
1984 से 85 तक का पीरियड जो है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो ये पीरियड जो है हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान स्टडी का। ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज़।